3 साल डिग्री होने के बाद भी किसी को जॉब नहीं मिल रहे, तो यहाँ पर क्या गारंटी है 4 साल के बाद जॉब मिलेगी? बोल 13,800 नहीं, उसमें एक भी स्कूल अगर बंद करने की गवर्नमेंट ने सोच ली तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। एक स्कूल में भी अगर 10 लोग 15 लोग अगर बच्चे पढ़ना आ रहे तो वो स्कूल को ना बंद करें। बहुत परेशानी में, बहुत गरीबी में भी प्राइवेट के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनके बच्चों को अच्छे एजुकेशन मिलना बोलते। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में बेसिक फैसिलिटी नहीं है, जैसे वॉशरूम के लिए हमें लड़ना पड़ता है, जैसे हम पढ़ाई के लिए बुक्स के लिए लड़ना पड़ता है। इतनी बेसिक आप एजुकेशन नहीं दे सकते तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में स्ट्रेंथ गिरेगी। सेल्फ फंडेड इंस्टीट्यूशंस को ओपन करो बोल के गवर्नमेंट का ये मानना है, ये सरासर नाइंसाफी है बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। आज AIDSO स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एंटायर कर्नाटका में हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो स्मरण दिवस है उसको डेडिकेट करते हुए आज गवर्नमेंट का एक बहुत दो काले कानून जो ये लोग इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, 13,000 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज आज क्लोज करने के बारे में ये लोग जिक्र कर रहे हैं, इसको विरोध करते हुए साथ ही साथ सेल्फ फंडेड इंस्टीट्यूशंस को ओपन करो बोल के गवर्नमेंट का ये मानना है, ये सरासर नाइंसाफी है बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। 13,000 स्कूल्स को आप लोग मर्ज करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर एक कॉलेज में भी, एक स्कूल में भी अगर 10 लोग 15 लोग अगर बच्चे पढ़ना आ रहे हैं तो वो स्कूल को ना बंद करें। और जितने भी अभी फैसिलिटी नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, रहने के लिए ब्रेंच नहीं है, रहने के लिए क्लासरूम्स नहीं है, उसके लिए आप ज़्यादा फंड सैंक्शन कीजिए, बल्कि आप लोग गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज को क्लोज करें, इसको कड़ी कड़े हम विरोध कर रहे हैं। आज ये जो मौका है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का स्मरण दिवस, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर यही हक के लिए लड़े थे, जो गर्ल्स की एजुकेशन के लिए लड़े थे, जो वीडियोस अगले जो लाइफ लीड करने के लिए वो लोग लड़े थे, वो लोग भी आज सिग्नेचर्स करके बहुत बड़ा प्रोटेस्ट को एक कॉल दिए थे। आज भी हम AIDSO की तरफ से ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रहे काले कानून, इसके खिलाफ हम लोग 1 करोड़ का सिग्नेचर्स हम लोग ले रहे हैं आज, वो भी एक हम लोग इसके दौरान बोल रहे हैं कि जो काले कानून है उसको हटाना चाहिए और गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज को ना बंद करें बोल के हम लोग कॉल दे रहे हैं। स्नेहा कट्टी मने AIDSO स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। आज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन AIDSO ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पूरे कर्नाटका में सारे जिलों में आज प्रोटेस्ट चल रहा है। साथियों, आप जानते हो रिसेंटली जो हमारे कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 13,800 गवर्नमेंट स्कूल्स में जो स्ट्रेंथ कम है बोलकर उनको बंद किया जा रहा है। यहाँ पर सवाल उठती है, ठीक है गवर्नमेंट स्कूल में स्ट्रेंथ कम हो रहा है, पर क्यों कम हो रहा है? पूरे कर्नाटका में 35,000 लेक्चरर्स पोस्ट खाली है, मतलब लेक्चरर्स की कमी है। उसके अलावा 4,000 से भी ज़्यादा स्कूल में सिर्फ एक ही लेक्चरर है, एक ही सर से पूरे स्कूल कॉलेज चलते हैं, तो यहाँ पर कैसे क्वालिटी एजुकेशन मिल सकता है? गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजों में अगर बेसिक फैसिलिटी मिली होती तो कोई भी पेरेंट्स पैसे ज़्यादा हो है बोल के प्राइवेट में नहीं डालते हैं। बहुत परेशानी में, बहुत गरीबी में भी प्राइवेट के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनके बच्चों को अच्छे एजुकेशन मिलना बोल के। इसीलिए हम AIDSO स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो साजिश रची जा रही है सरकार से सिर्फ प्राइवेट स्कूल कॉलेज बचाना बोल के, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जरिए ये जो मर्जिंग का इन्होंने किया है, इसको विरोध करते हुए पूरे कर्नाटका में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं हमारे गुलबर्गा में जो गरीब ज़्यादातर बच्चे पढ़ने आते हैं, हमारी तरफ एक भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है गुलबर्गा में, इसीलिए हम इंजीनियरिंग कॉलेज की डिमांड कर रहे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में बेसिक फैसिलिटी नहीं है, जैसे वॉशरूम के लिए हमें लड़ना पड़ता है, जैसे हम पढ़ाई के लिए बुक्स के लिए लड़ना पड़ता है। इतनी बेसिक आप एजुकेशन नहीं दे सकते तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में स्ट्रेंथ गिरेगी। हम इसके खिलाफ गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि रादर ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज खोलिए। कोविड के दौरान जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर गवर्नमेंट में डालना पड़ा, उतनी क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इसी दौरान में कम से कम फीस लेना, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज ज़्यादा खोलना, तो हम यहाँ पे चेतावनी गवर्नमेंट को देना चाह रहे हैं इस प्रोटेस्ट के जरिए। 13,800 नहीं, उसमें एक भी स्कूल अगर
बंद करने की गवर्नमेंट ने सोच ली तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए AIDSO की तरफ से ऑल ओवर इंडिया 1 करोड़ सिग्नेचर कैंपेनिंग चल रहा है। अभी तक पूरे कर्नाटका में 8 लाख लोग सिग्नेचर दे चुके हैं, तो हम इसीलिए इससे भी ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे बोल के AIDSO से चेतावनी देना चाहेंगे। सर, आप लोग जानते हैं NEP के जरिए ये लोगों का जो भी एडजस्टमेंट चल रहा है एजुकेशन में, ये पहला स्टेप है उनका गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज बंद करना NEP में। इसके अलावा भी जो डिग्री कोर्स था उसको 4 साल किया गया है, उसके जरिए बोला जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिल सकता है बच्चों को? वैसे भी 3 साल डिग्री होने के बाद भी किसी को जॉब नहीं मिल रहे, तो यहाँ पर क्या गारंटी है 4 साल के बाद जॉब मिलेगी बोल के? तो इन सब के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो NEP के जरिए में बहुत प्रॉब्लम्स है कर्नाटका में। गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में जो एजुकेशन में बुक्स पढ़ा जाता है उसमें से ग्रेड मेंस के आइडियाज़ को निकाल दिया जा रहा है, ये भी NEP का एक इनका आइडिया है। तो इन सबके खिलाफ हम ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट कर रहे हैं। AIDSO शिल्पा बी के गुलबर्ग अगली बाड़ा तौंदे आगक हतने तरगति व्यार्थी इन वर्गू कन्ड बुक्स बंद बंद हास्टल हास्टल अप्ले हास्टल अप्लिकेशन हाँ हास्टल लिस्ट उठी बड़ मकलू एलू एद बदको बट अर्थ आगता है या ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಲಭಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಓದಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದೀವಿ, ಓದಬೇಕಂತ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಏನು ಒಂದು ಒಂದು ಓದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ। ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ